नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेडियो एजाइल में। आज हम आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम डेली एक टेस्ट कवर करेंगे और इस प्रकार से हम विजन आईएएस जो कि एक प्रतिष्ठित संस्थान है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसकी हम टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए लगभग 24 to 25 टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें खासियत ये होगी कि हम हर क्वेश्चन पे जो 4 ऑप्शन है इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप रिटेन कर पाओ अपने पास। और इस प्रकार से एक ही टेस्ट में आपके लगभग 400 फैक्ट की क्लियर हो जाएंगे। और जब हम ये 25 टेस्टों की ये सीरीज जो है इसे कंप्लीट करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके 10,000 फैक्ट्स क्लियर होंगे। तो अगर आपका एक या दो नंबर से जो आपका सिलेक्शन रुकता है तो ये 10,000 फैक्ट्स आपकी जो प्रिपरेशन है उसे अलग लेवल पर लेकर जाएंगे। आप फॉरेस्ट की कट ऑफ निकालेंगे भाई। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देना है। ऐसा नहीं करना कि भाई चार क्वेश्चन देखे उसके बाद आपने छोड़ दिया। देखिए जो काम आपने स्टार्ट किया है उसे पूरा जरूर करिए, उसके बाद आप उसको एनालिसिस करिए कि भाई इससे मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या मुझे लॉसेस हो रहे हैं। तो अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट तक देखिए हर क्वेश्चन में। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल जाए जो कि आपने अभी तक पढ़ा ना हो या वहां पे आप पहुंचे ही ना हो, तो इसलिए वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद ही आप कुछ इसमें गेन कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। आपात को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के साथ अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। आपात की घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है और उसके बाद राष्ट्रीय आपात की घोषणा को वापस लेने हेतु संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें देखिए कथन ए और बी ये दोनों तो अपने सही हैं, ठीक है, क्लियर कट इसमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों सही हैं। लेकिन जो सी ऑप्शन है, आपात की घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उस सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत देखा जाता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन सी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र के सरकार के सर्वाधिक प्रचलित और अन्य स्वरूपों से बेहतर होने के संभावित कारणों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमको देखना है, यह सरकार के सबसे स्थिर स्वरूप की स्थापना करता है, यह त्वरित और सही निर्णय को सुनिश्चित करता है, यह सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है, यह आय असमानताओं को समाप्त करता है। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट तो दिख रहा होगा कि यह सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है, ये तो लोकतंत्र की बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर कहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अब आपको देखना है क्या, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में थर्ड ये तो है नहीं, तो ऑप्शन ए तो अपना इलिमिनेट हो गया। उसके बाद केवल 3 और केवल 2 और 3 या 1, 2, 3 और 4, इसमें देखिए यह सरकार के सबसे स्थिर स्वरूप की स्थापना करता है, इसमें आपको डाउट हो सकता है। यह त्वरित और सही निर्णय को सुनिश्चित करता है। अब यहां पे एक बात आपको याद रखनी है कि जो आपका क्या है ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है, इसमें क्या बोल रहा है, यह त्वरित और सही निर्णय। तो निर्णय प्रक्रिया में जन सामान को शामिल करने से निर्णय लेने में क्या होता है, विलंब होता है। इसके अतिरिक्त यह गारंटी प्रदान नहीं करता कि सहभागिता के आधार पर लिए गए निर्णय बेहतर होंगे, इसलिए कथन 2 हमारा क्या है, ये सही नहीं। तो केवल 2 और 3, तो जहां जहां 2 है ये तो अपना एलिमिनेट हो गया, उसके बाद बचता क्या है, केवल 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदान किए जाते हैं? तो अब आपने जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे तो आपको बताना है कौन कौन से इसमें स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, बिल्कुल सही बात है। संगम या संघ बनाने का अधिकार, ये सारे आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हड़ताल या प्रभावी, अब यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि हड़ताल करना, ये संविधान में कहीं पर नहीं लिखा कि हड़ताल करना आपका फंडामेंटल राइट है। तो ऑप्शन 3 जो है
ये तो अपना रॉन्ग होने वाला है। उसके बाद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो देखिए शांतिपूर्ण सम्मेलन, संगम या संघ बनाने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये तीनों तो आपने याद करे होंगे, पर हड़ताल या प्रभावी धोखेबाजी सौदेबाजी का अधिकार ये हमारा रॉन्ग है, तो यहाँ पे डी ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद 1, 2 और 4 ये राइट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी। आगे देखते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह केवल भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की ही जांच करता है। जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं, तब केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा CBI की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल एक, केवल दो, एक या दो, ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पे यह केवल भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करता है। ओके, यहाँ पे हम लगता है स्किप कर गए क्वेश्चन नंबर 4 को, एक सेकंड, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पहले डिस्कस करते हैं। पृथ्वी की भूकंपी गतिविधि के संदर्भ में स्वार्म क्या है, तो भूकंप के दौरान निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा को स्वार्म कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप भूगर्भीय पदार्थों का अकस्मात अधोगामी संचलन, ये स्वार्म कहलाता है, उच्च तीव्रता वाले मुख्य भूकंपों के स्पष्ट अनुक्रम के बिना एक विस्तारित अवधि के दौरान स्थानीय रूप से आने वाले अनेक भूकंप के झटके, या पृथ्वी के अंदर होने वाला लगभग निरंतर संचलन जिसका संबंध भूकंप से नहीं होता और जिसकी अवधि 1 से 9 सेकंड तक होती। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा क्या, सी। उच्च तीव्रता वाले मुख्य भूकंपों के स्पष्ट अनुक्रम के बिना एक विस्तारित अवधि के दौरान स्थानीय रूप से आने वाले अनेक भूकंपों के झटके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को कि वो राइट क्यों नहीं। तो भूकंप के दौरान जो निर्मुक्त ऊर्जा है उसे हम क्या कहते हैं, भूकंपीय ऊर्जा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये तो सवाल हो नहीं सकता। उसके बाद देखते हैं गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप भूगर्भीय पदार्थों का अकस्मात अधोगामी संचलन, ये कहलाता है अपना भूस्खलन के रूप में इसे जाना जाता है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होने वाला। उसके बाद देखते हैं पृथ्वी के अंदर होने वाला लगभग निरंतर संचलन जिसका संबंध भूकंप से नहीं होता और जिसकी अवधि 1 से 9 सेकंड होती है, तो ऑप्शन डी जो है ये भी हमारा क्या होगा, राइट आंसर नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि इसमें सूक्ष्म भूकंप, इसे सूक्ष्म भूकंप कहा जाता है, जिसकी अवधि 1 से 9 सेकंड होती है उसे हम सूक्ष्म भूकंप कहते हैं, ठीक है, तो ये भी अपना राइट आंसर नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं हाल ही में सुर्खियों में रहा चाक हाउ क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मणिपुर की काली चावल की एक किस्म जिसे कि GI टैग प्रदान किया गया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी एक खासियत देख लेते हैं कि इसका जो रंग होता है इस चावल का, ये गहरा काले रंग का होता है, तो इसमें इसकी खासियत यह है कि ये एंथोसायनिक एजेंट के कारण इसका जो काला रंग होता है, कभी कभी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि किस एजेंट के कारण इसका काला रंग होता है, तो या ऐसा पूछे घुमा कर कि किस कौन सा एजेंट है जो इसके काले रंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होता है, तो एंथोसायनिन एजेंट के कारण इसका काला रंग होता है। आगे देखते हैं भारत को राज्यों के परिसंघ फेडरेशन के बजाय राज्यों के संघ के रूप में क्यों वर्णित किया गया है, तो इसमें आपके कथन है, कथन एक है कि भारतीय संघ राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम है, दूसरा राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कौन से कथन सही है या कौन से गलत है, तो केवल एक या केवल दो या एक और दो दोनों। तो इसमें अनुच्छेद 1 आपने पढ़ा होगा हमारे भारतीय संविधान का, कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ना कि राज्यों का परिसंघ, राज्यों का इसमें क्या बोला गया, संघ, ना कि परिसंघ, तो यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतीय संघ राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो अपना पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय संघ अमेरिकी परिसंघ की भांति राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम यहाँ पे हमारा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के जो राज्य हैं वो उनमें ऐसे प्रावधान हैं कि वो अलग हो सकते हैं, उनके पास ये स्वायत्तता है, लेकिन
भारतीय परिसंघ में राज्यों को ये स्वायत्तता नहीं दी गई कि वो उससे अलग हो सके, इसलिए अपना जो कथन एक है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सरासर ये गलत होने वाला है, ठीक है। तो अपना जो राइट आंसर होने वाला है वो केवल दो, क्योंकि राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त इसमें नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, यदि भारत अपने राज्य क्षेत्र को किसी पड़ोसी देश को अध्यापित करने का निर्णय करता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उपयोग किया जाएगा, या ऐसे पूछ सकता है किस किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है क्या, सी, केवल तीन, अनुच्छेद 368। आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो यह केवल भ्रष्टाचार व आपराधिक आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की ही जांच करता है, या जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं तब केंद्रीय सतर्कता आयोग CBI की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करता है। तो इसमें आपको बताना है कथन एक सही है या दो या दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, ऑप्शन बी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक संविधानेतर और गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है। तो इसमें देखिए यह अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम DSPE 1946 से ग्रहण करता है। तो इसमें देखिए 1980 के दशक के संवैधानिक न्यायालय ने हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार आदि जैसे मामलों में पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं के आधार पर CBI को मामले प्रेषित करना आरंभ कर दिया, इसलिए कथन एक जो है वो हमारा क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसने क्या बोला कि केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, उच्च न्यायालय ने हत्या, दहेज हत्या और बलात्कारों को भी इसके दायरे में लेकर आए, तो ये हमारा कथन एक गलत हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं क्या दूसरा, जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं, इसमें कह रहा है, तो इसको देखिए भ्रष्टाचार निरोध प्रभाग एंटी करप्शन डिवीजन, यह केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तथा भारत सरकार के स्वामित्वधीन अर्थात नियंत्रणाधीन निगमों या निकायों के सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की जांच करता है, और यह एक बहुत ही बड़ा निकाय है जिसकी देश के लगभग सभी राज्यों में शाखाएं विद्यमान होती हैं। तो इसमें आपको देखना यह है कि जब जांच के लिए किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं तभी केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC द्वारा CBI की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जा सकता है, इसलिए जो कथन दो है हमारा वो है क्या, सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, गौण वनोत्पाद को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन परिभाषित किया गया है। दूसरा कथन है, केंद्र सरकार द्वारा विविध गौण वनोत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं कि कथन एक को देखते हैं, तो ये हमारा क्या कह रहा है कि गौण वनोत्पाद को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन परिभाषित किया गया है, लेकिन हमारा ये जो कथन है ये हमारा क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि भारत ये जो गौण वनोत्पाद हैं इनकी जो परिभाषित किया गया है इन्हें, ये 2007 में किया गया है जब अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया था, तो उसके बाद ही इनकी परिभाषा व्यक्त की गई थी। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा विविध गौण वनोत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये कह रहा है कि गौण वनोत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो कथन दो हमारा क्या है, यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से गौण वनोत्पाद के विपणन तथा संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग मतलब फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड तथा इसके परिवहन इत्यादि में गौण वनोत्पाद के संग्राहकों के प्रयास हेतु
उनके लिए उचित मौद्रिक प्रतिलाभ सुनिश्चित करने हेतु मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना आरंभ की है। यह योजना क्या है? भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ वर्ष 1987 में स्थापित है, तो इससे संबंधित राज्यों से प्राप्त सुझावों पर आधारित चयनित गौण वनोत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण व घोषणा की परिकल्पना करती है। लेकिन इसमें क्या है कि पूर्व निर्धारित एमएसपी पर खरीद एवं विपणन परिचालन नामित राज्य अभिकरणों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ये जो ट्राइफेड है, ना कि कृषि लागत और मूल्य आयोग, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के समक्ष एमएसपी की अनुशंसा करता है। तो इसमें देखिए, ये कह रहा है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो क्या है? ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो। आगे देखते हैं, लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें हैं, हालांकि इनमें केवल 545 सदस्य हैं। यदि मतदान के समय केवल 300 सदस्य उपस्थित हैं तो अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 273 सदस्य या 200 सदस्य या 276 सदस्य या 368। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? 273। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य हैं? सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना, अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना, गांवों को विकासात्मक प्रक्रियाओं में शामिल करना, भारत के जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा असत्य है। तो देखिए, सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना, तो नीति आयोग के उद्देश्यों में सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन देना ये शामिल है। उसके बाद अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना, तो ये भी इसके उद्देश्यों में शामिल है, ठीक है। और उसके बाद गांवों को विकासात्मक प्रक्रियाओं में शामिल करना, ये भी। भारत के जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना, तो ये भी, ये चारों इसके उद्देश्यों में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? अपना डी, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। यह न्यायालय द्वारा एक लोक अधिकारी को उसके विधि द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों को निर्वहन हेतु निर्देशित करने के लिए जारी किया गया एक आदेश है। इसे प्राधिकार प्राप्त लोक अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों को निर्वहन से मना करने की स्थिति में जारी किया जाता है। इसे किसी भी प्रकार के अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कर्तव्य यथा प्रशासनिक या विधायी या अर्ध न्यायिक न्यायिक के लिए जारी किया जा सकता है। इसका उपयोग लोक अधिकारियों से उनके सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन करने हेतु किया जाता है। तो आपको बताना है उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस रिट को संदर्भित करता है। तो इसका जो, देखिए यहाँ पे जो निर्देश दिए जाते हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसी प्राधिकारी को उसके कर्तव्य से रिलेटेड, तो ये वाली जो रिट है ये हमारी कौन सी आती है? परमादेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? परमादेश। क्योंकि अधिकार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि किस अधिकार से ये काम किया गया है। उत्प्रेषण में न्यायालय क्या है? अपने अधीनस्थ न्यायालयों से लंबित पड़े मामलों को अपने पास प्रेषित करवाता है। और प्रतिषेध में उसे, अगर प्रतिषेध में क्या होता है कि जैसे कि अगर न्यायालय के द्वारा या न्यायालय के द्वारा इसका मतलब शाब्दिक रूप से अगर इसका अर्थ देखें तो ये रोकना है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करने से रोकना, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एक बार अपने जो रेट है उनको देख लेते हैं, जैसे कि उत्प्रेषण हो गया जिसे सर्टियोरी कहते हैं, प्रतिषेध प्रोहिबिशन हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस हो गया, परमादेश मैंडमस हो गया, ठीक है। और
उसके बाद कौन सा आता है, एक अधिकार पृच्छक वो वारंटो। तो ये हमारे कुछ रिटे हैं जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विधि की सम्यक प्रक्रिया केवल कार्यपालिका की स्वेच्छाचारी कार्यवाही के विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करती है। दूसरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधायिका और कार्यपालिका दोनों की स्वेच्छाचारी कार्यवाही के विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, केवल 3, क्योंकि अनुच्छेद 21 उपबंधित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपबंधित है, इसलिए कथन 3 क्या है अपना सही है। उसके बाद अपन देख लेते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान करता है यदि राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विफल रहता है, या राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, कानून एवं व्यवस्था को बाधित करने वाली हिंसक घटनाएं घटित होती हैं। तो इसमें आपको बताने कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो देखिए, संविधान किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए प्रावधान, तो कानून एवं व्यवस्था को बाधित करने वाली हिंसक घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो अनुच्छेद 356 हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 के आधार पर दो आधारों पर क्या आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इसमें जो वर्णित आधार हैं उसमें से 356 में क्या है वर्णित है कि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति शासन लागू करने की उद्घोषणा जारी कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, एक, भारत राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में विफल रहता है, तो ये तो हमारा देखिए राइट होने वाला है। उसके बाद जिसमें ए नहीं है वो हटने वाला है, तो मतलब बी एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं सेकंड, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो सेकंड नंबर ये भी हमारा क्या हो जाएगा राइट, तो 2 और 3, 1 एंड 3, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद अब बचता है क्या 1 और 2 या 1, 2 और 3, तो अपन देखते हैं क्या तीसरा कथन। इसमें लिखा हुआ है कि कानून एवं व्यवस्था को बाधित करने वाली हिंसक घटनाएं, तो देखिए संविधान में राष्ट्रपति शासन लागू करने के आधार के रूप में कानून एवं व्यवस्था को बाधित करने वाली हिंसक घटनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए कथन सी हमारा, कथन 3 जो है ये हमारा रॉन्ग होने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। उसके बाद देखते हैं, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा स्थायी जमा सुविधा SDF आरंभ करने पर विचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है। कुल मांग को बढ़ाने हेतु बाजार में तरलता में वृद्धि करना, बैंकों को RBI में फंड आरक्षित करने की अनुमति प्रदान करके उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना, नवीन साधन प्रदान करके अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाना, या अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था की मंद गति को त्वरित करना। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा क्या बी, बैंकों को RBI में फंड आरक्षित करने की अनुमति प्रदान करके उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना, यही RBI का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है विचार करना है। MPLATS के तहत प्रत्येक सांसद को उसके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के निष्पादन हेतु प्रत्यक्षता 5 करोड़ रुपए अंतरित किए जाएंगे। राज्यसभा और लोकसभा के नाम निर्दिष्ट सदस्य इस योजना अंतर्गत अधिकृत नहीं है। उसके बाद सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय इस योजना के प्रवर्तन हेतु नोडल मंत्रालय। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे जो पहले कथन की बात करी गई है कि एमपीलैड्स पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। प्रत्येक संसद के निर्वाचन क्षेत्र हेतु आवंटित वार्षिक निधि 5 करोड़ रुपए, परंतु यह राशि सांसद को प्रत्यक्ष अंतरित नहीं की जाती है, अपितु चयनित जिले के जिला प्राधिकारी को संवितरित की जाती है। इसलिए जो अपना कथन एक है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्यक्षतः 5 करोड़ अंतरित किए जाते हैं ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा के नाम निर्दिष्ट सदस्य इस योजना अंतर्गत अधिकृत नहीं है। तो यहाँ पे जो सेकंड है उसमें क्या कहा गया है, राज्यसभा और लोकसभा के देखिए नाम निर्दिष्ट सदस्य देश में कहीं भी विकास कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं, इसलिए कथन जो दो है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, योजना अंतर्गत अधिकृत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अधिकृत हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद एक और दो, तो ये एलिमिनेट हो गया आपका, ये भी एलिमिनेट हो गया, और दो ये भी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, केवल 3। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस योजना के प्रवर्तन हेतु नोडल मंत्रालय, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं हाल ही में सुर्खियों में रहे को लैब कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए जो अपना कथन एक है, यह एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य त्रिआयामी डिजाइनों के सृजन व संशोधन हेतु संपूर्ण देश के अटल टिकरिंग लैब के छात्रों को एक मंच प्रदान करना है। तो इसमें जो कथन एक है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि अटल नवप्रवर्तन मिशन नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा संयुक्त रूप से को लैब कैट लॉन्च किया गया था, और यह एक सहयोगात्मक नेटवर्क और कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो कि द्विआयाम 2D प्रारूप और विस्तृत विवरण से लेकर त्रिआयामी उत्पादों के डिजिटल तक अभियांत्रिकी समाधान उपलब्ध करती है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, केवल 2, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, तो यहाँ पे देखिए इसका जो विस्तार किया गया है वो नीति आयोग भी शामिल है, तो कथन एक हमारा क्या है इसलिए रॉन्ग है, और यहाँ पे त्रिआयामी डिजाइन, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का उल्लेख करता है, निर्वाचन आयुक्तों का नहीं। दूसरा, किसी भी मामले अथवा मुद्दे पर निर्णयन के समय CEC को अधिभावी शक्ति प्राप्त होती है। चीफ इलेक्शन कमीशन और निर्वाचन आयुक्तों दोनों को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना, D, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं क्यों। तो निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय अनुसार निर्धारित निर्वाचन आयुक्तों यदि कोई हो तो इनसे मिलकर ये बना होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 में मिलता है हमें। तो यहाँ पे जो बात कही गई कि केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये हमारा देखिए ऑप्शन एक, ये हमारा क्या होने वाला है, गलत। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी भी मामले अथवा मुद्दे पर निर्णयन के समय चीफ इलेक्शन कमीशन को अधिभावी शक्ति प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पे जो कथन दो है इसमें क्या कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन को इसमें अधिभावी बताया गया है, लेकिन होता क्या है कि चीफ इलेक्शन कमीशन और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के मध्य मत भिन्नता के मामले में निर्णय बहुमत के द्वारा लिया जाता है, इसलिए जो कथन दो है ये हमारा सही नहीं होगा। तो कथन दो सही नहीं है, कथन एक सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 2, तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, D आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका ये भी रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि CEC और निर्वाचन आयुक्त दोनों को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। तो इसका
इसमें क्या बोला गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निर्वाचन आयुक्त दोनों को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, केवल जो कार्यकाल की सुरक्षा है वो केवल चीफ इलेक्शन कमीशन को ही प्राप्त है, क्योंकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल चीफ इलेक्शन कमीशन की अनुशंसा के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। इसलिए केवल तीन सही, अथवा कथन तीन भी क्या है, सही नहीं है। भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है क्या, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समुदाय आधारित अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो आपको बताना है इसमें से एक सही है या दो, या दो या तीन, या एक या तीन, या एक दो या तीन। तो भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है, तो वैयक्तिक स्वतंत्रता ये बिल्कुल सुनिश्चित करता है, व्यक्ति स्वतंत्रता। सामाजिक न्याय ये भी सही है, सामुदाय आधारित अधिकार। देखिए, संविधान विभिन्न मूल अधिकारों के माध्यम से उदार व्यक्तिवाद के रूपों को अभिव्यक्त और सुदृढ़ करता है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारतीय संविधान की, क्योंकि यह एक ऐसे समाज की पृष्ठभूमि में अपनाया गया है जहां सामुदायिक मूल्य प्रायः व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति उदासीन या प्रतिकूल होते हैं। तो यहां पे व्यक्ति स्वतंत्रता से समझौते किए बिना सामाजिक न्याय के सिद्धांत की पुष्टि करता है, तथा भाषाई और धार्मिक समुदाय इनकी स्वतंत्रता तथा भारतीय संविधान द्वारा सामुदायिक आधारित अधिकारों को मान्यता प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। तो इसलिए ये हमारे तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, यह जो ग्याल वंश द्वारा शासित एक पूर्ववर्ती रियासत थी, वर्ष 1947 में ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति के पश्चात यह भारत का संरक्षित राज्य बन गया। जनमत संग्रह के माध्यम से यह भारत का एक अभिन्न अंग बना। हाल ही में यह दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक विवादास्पद विज्ञापन के कारण सुर्खियों में रहा। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इसका वर्णन किया गया, मतलब वर्णन किया जा रहा है। तो इसमें देखिए, सिक्किम हमारा क्या होगा, राइट आंसर, क्योंकि वर्ष 1947 तक सिक्किम चोग्याल द्वारा शासित एक भारतीय रियासत थी, और इसके पश्चात ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया, ठीक है, जिसे हम 35वें संविधान संशोधन 1935 को के द्वारा इसे अपनाया गया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें एक बात और हमको जान लेना जरूरी है कि वर्ष 1975 में आयोजित एक जनमत संग्रह में लोगों द्वारा चोग्याल शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया तथा सिक्किम राज्य को एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को केवल लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन क्या है, वित्तीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर विधियों का निर्माण कर सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि जो ऑप्शन सी है, 21 का सी, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा, तो इसे जारी, इस घोषणा को जारी करने वाली तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है। और वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को अनुमोदित करने वाला संकल्प संसद के किसी भी सदन द्वारा साधारण बहुमत, अर्थात सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो साधारण बहुमत की बात कही गई है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे लोकसभा को बस यहाँ पे फिक्स किया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत, तो देखिए ये भी हमारा रॉन्ग है। वित्तीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर विधियों का निर्माण कर सकती है।
तो इसको हम देख लेते हैं कि संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधियों के निर्माण का इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, अल्टीमेटली सी, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही बात है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो इसमें देखिए, कथन दो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है, तो ये कथन हमारा क्या है, सही है। और कथन जो एक है, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने पहले इसको बोला, क्या बोला था कि ये राइट है, लेकिन यहाँ पे देखिए, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसे राष्ट्रपति तो नियुक्त करता है, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग को राज्यपाल नियुक्त करता है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, केवल दो हमारा राइट आंसर, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के द्वारा ही सिर्फ इसे पदच्युत किया जाता है, ऐसा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में भी वर्णित किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हित समूह समाज के किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रचारक हित समूह और वर्ग विशिष्ट हित समूह, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विशिष्ट हित समूह के उत्कृष्ट उदाहरण है, अधिवक्ताओं या चिकित्सकों जैसे पेशेवर निकाय या व्यापार संघ या बंधुआ श्रमिकों या जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने वाला समूह। तो देखिए, इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है केवल एक और दो, क्यों ये देख लेते हैं अपन, क्योंकि नहीं, हाँ ठीक है, केवल एक और दो इसका राइट आंसर होने वाला है, तो देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है। तो बंधुआ श्रमिकों या जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने वाला समूह, देखते हैं कथन तीन को। तो इसमें क्या बोला गया है कि जैसे अपन समझते हैं ऐसे कि कभी कभी होता क्या है कि किसी एक वर्ग के हित के प्रतिनिधि के संबंधित कुछ समान हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वर्ग होता है, ठीक है, जिन्हें रक्षित करने की आवश्यकता होती है। संगठन के सदस्य संगठन द्वारा निरूपित किए जाने वाले कारकों से लाभान्वित नहीं हो सकते। इस प्रकार के दूसरे समूह प्रचारित हित समूह या जनहित समूह कहलाते हैं। वे चयनात्मक के बजाय सामूहिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। उनका लक्ष्य क्या होता है कि स्वयं के सदस्य के अतिरिक्त अन्य समूहों की भी वो सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए अगर देख लेते हैं कि बलात्श्रम के विरुद्ध संघर्ष करने वाला स्वयं समूह के लिए नहीं होता, बल्कि उन लोगों के लिए संघर्ष करता है जो इस प्रकार के उत्पीड़न से ग्रस्त होते हैं। तो देखिए, बंधुआ श्रमिकों या जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने वाला समूह, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जातिगत भेदभाव, बंधुआ श्रमिकों या जातिगत भेदभाव की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा हमारा, ये थर्ड, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखते हैं व्यापार संघ, तो व्यापार संघ ये हमारा राइट है, राइट आंसर है व्यापार संघ भी, और अधिवक्ताओं या चिकित्सकों जैसे पेशेवर निकाय, तो एक और दो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकरणों में से कौन सा किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता के लोप होने का कारण बन सकता है। तो जब किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की ली गई हो, तो बिल्कुल सही बात है, उसकी नागरिकता क्या हो जाती है, खत्म हो सकती है। उसके बाद यदि नागरिक द्वारा भारत के संविधान के प्रति अनादर किया गया, बिल्कुल उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है। यदि वह नाबालिग है तथा उसके माता पिता ने भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए, अगर वह नाबालिग है और उसके माता पिता भारतीय नागरिकता का परित्याग करते हैं, तो स्वतः उस बच्चे की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर वह वयस्क हो जाता है और एक साल के अंदर वह वापस से नागरिकता प्राप्त करने के लिए अप्लाई करता है, तो उसे नागरिकता
दे दी जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा क्या, डी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की परिसंघीय विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान की परिसंघीय विशेषताएं, तो इसमें देखिए कि इसमें क्या क्या शामिल है, एकल संविधान, द्विसदनीयता, एकीकृत न्यायपालिका। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से इसकी परिसंघीय विशेषताओं में शामिल हैं या कौन से शामिल नहीं है। तो एकल संविधान, ठीक है, तो एकल संविधान की जब हम बात करें अगर, तो जैसा कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है जो दो तथ्यों को निर्दिष्ट करता है। प्रथम, भारतीय परिसंघ अर्थात संघ राज्यों द्वारा किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और द्वितीय, किसी भी राज्य को परिसंघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। तो अब परिसंघ की जब हम बात करते हैं तो इसमें देखिए इसकी जो विशेषताओं में शामिल होते हैं वो है द्विसदनीयता, सरकार की दोहरी व्यवस्था, शक्तियों का पृथक्करण, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की अनम्यता और स्वतंत्र न्यायपालिका। और इसकी जो एकात्मक या गैर प्रसंगी विशेषताएं हैं उसमें कौन सा शामिल होता है, एकल संविधान और एकीकृत न्यायपालिका। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे एकल है, एकल संविधान या एकीकृत न्यायपालिका, ये इसकी एकात्मक विशेषता को परिलक्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा केवल 2। सॉरी, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संविधानेतर निकाय है, यह निर्देशात्मक और नीतिगत सहयोग प्रदान करता है, ना कि तकनीकी परामर्श। यह एक सहयोगात्मक और आधार से शीर्ष मतलब बॉटम अप दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है। तो यह एक संविधानोत्तर निकाय है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यह निर्देशात्मक और नीतिगत सहयोग प्रदान करता है, ना कि तकनीक। तो नीति आयोग यह संवैधानिक निकाय नहीं है, ना ही यह संविधिक निकाय है, लेकिन यह संविधानेतर या गैर संविधिक निकाय है। और दूसरी जब बात करें कि नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख नीतिगत विचार मंथन है जो निर्देशात्मक और नीतिगत सहयोग प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए कार्य नीतियाँ, दीर्घकालीन नीतियाँ, कार्यक्रमों को अभी कल्पित करने के साथ साथ नीति आयोग केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी परामर्श भी प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि तकनीकी परामर्श नहीं प्रदान करता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो 2-2 ये तो हमारे रॉन्ग हो गए, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो भाई गलत हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 1 और 3। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, पूर्ववर्ती भारतीय रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देसी रियासत हैदराबाद, जन्म संग्रह ओ, जूनागढ़ सैन्य कार्यवाही, कश्मीर विलय पत्र। तो अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो ये तो क्लियर कट आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर विलय पत्र। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महोत्सव और उसके संबंधित राज, अंबुबाची मेला। उसके बाद है चैत्र यात्रा उड़ीसा, विशु उत्तर प्रदेश, रंगोली बिहू झारखंड। इनमें से कौन कौन से सुमेलित है, तो 28। तो इसमें देखिए अंबुबाची मेला यह गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में जो पीठासीन देवी जी हैं उनके राजोधर्म का प्रतीक उत्सव है, ठीक है। तो अंबुबाची मेला असम, ये क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। तो 1 किसमें एक है कि नहीं है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया, कौन सा, डी। उसके बाद अब हमको देखना ए बी और सी में। उसके बाद देख लेते हैं हम किसको, चैत्र यात्रा को। तो चैत्र यात्रा यह उड़ीसा के तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर में किया जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2। तो जहाँ पे 2 है ये हमारा राइट हो जाएगा। तो 2 कहाँ नहीं है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग। तो इसका अल्टीमेटली राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, केवल 1 और केवल 2।
अगला देखते हैं, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यह भारत की संचित निधि का लेखा परीक्षण करने हेतु अधिकृत है, आपको बताना है सही नहीं है। सीएजी भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। सीएजी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। सीएजी को उन्हीं आधारों और उसी रीति से हटाया जा सकता है जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो सीएजी वह यह संघ की संचित निधि या प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधानसभा द्वारा प्रत्येक संघ शासित प्रदेश की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों से संबंधित लेखाओं का परीक्षण करता है। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि यह भारत की संचित निधि का लेखा परीक्षण करने हेतु अधिकृत है, तो यह हमारा क्या है, राइट आंसर है, राइट है। और सीएजी भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन करता है, तो वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं का भी लेखा परीक्षण करता है, जैसे स्थानीय निकायों के लेखाओं का लेखा परीक्षण। और वह संघ एवं प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखाओं में से किए गए सभी समव्यवहारों का लेखा परीक्षण करता है। और यह संघ एवं राज्य के राजस्वों से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकाय और प्राधिकरणों व सरकारी कंपनियों के लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है। उसके बाद वह संघ सरकार के लेखाओं से संबंधित अपने लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति और राज्य सरकार के संबंधित राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो संसद के दोनों सदनों के समक्ष उन्हें रखवाएगा। वह संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में काम करता है और वह राज्य सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण का कार्य करता है। किसके? केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लेखाओं और संकलन का अनुरक्षण करता है। लेकिन यहाँ पे इसके जो कार्यों में क्या शामिल है कि वह संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है तथा वह राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण का कार्य करता है। इसलिए अपना जो विकल्प सी है वो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि वह केंद्र के लिए ऐसे कामों के लिए बातें नहीं है। सीएजी को संघ सरकार के लेखाओं और संकलन और अनुरक्षण के संबंध में उसके उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया था। कब? 1976 में। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एक संवैधानिक दर्जा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह ओबीसी और अन्य भारतीय समुदाय दोनों के लिए संवैधानिक और विधिक रक्षोपायों के मामलों की जांच करता है और यह सदस्यों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं और यह भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो यह ओबीसी और आंग्ल भारतीय समुदाय दोनों के लिए संवैधानिक एवं विधिक रक्षोपायों के मामलों की जाँच करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग है। तो रॉन्ग है, ये कथन क्या है अपना, गलत है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं संवैधानिक दर्जा की, तो इसे 102 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2018 में हुआ था उसके तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और जो NBBC के सदस्यों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं तथा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और उसके बाद देख लेते हैं कि वह भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन, तो यह वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष ही प्रस्तुत करता है, यह आवश्यकता अनुभव होने पर भी प्रतिवेदन, विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तो ACB ये तीनों राइट हैं और बी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। उसके बाद देखते हैं प्रवासी भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति जो अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान लागू होने के पश्चात किसी भी समय भारत का नागरिक था, OCI कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है। दूसरा कथन है अपना, OCI कार्ड धारक किसी भी उद्देश्य से भारत आने के लिए अनेक बार प्रवेश बहुउद्देशीय आजीवन वीजा के हकदार होते हैं। OCI कार्ड धारक लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समता के अधिकार का लाभ प्राप्त करते हैं।
तो इसका जो देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक और दो। आपको सही कथन बताना है, लेकिन जो कथन ये तीसरा है, ओसीआई कार्ड धारक लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समता के अधिकार का लाभ प्राप्त करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया। दूसरा कथन है, यह अधिकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन होता है। तीसरा, यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना, बी, केवल एक और दो। क्यों? क्योंकि कथन जो तीन, कथन तीन यहाँ पे जो दिया गया है, तो इसमें क्या कहा गया है कि यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधारों पर वर्ष 1956 के सातवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद अनुच्छेद 350B स्थापित किया गया। इस अनुच्छेद में यह प्रावधानित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा जिसे भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और इसी संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करने और उन विषयों के संदर्भ में ऐसे समय अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कर्तव्य सौंपा गया है। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को, लेकिन यहाँ पे बात किसकी की गई है कि वह उन विषयों के संबंध में ऐसे समय अंतरालों पर, मतलब कि जो रक्षोपायों से संबंधित जो विषय होंगे, उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करने और उन विषयों के संबंध में ऐसे समय अंतरालों पर जो कि राष्ट्रपति निर्देश करे, अर्थात कोई विशेष अभिवेदन इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे वार्षिक प्रतिवेदन की कोई बात नहीं की गई, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, किसी देश के संविधान और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो संविधान किसी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंधों के साथ साथ व्यक्तियों और सरकार के मध्य संबंधों को भी निर्धारित करता है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी देशों में जहाँ संविधान लागू होता है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान हो। संविधान द्वारा भारत सरकार की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की गई है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो एक दो तीन इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये तीनों कथन अपने क्या है, सही है। क्योंकि संविधान किसी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंधों के साथ साथ व्यक्तियों और सरकार के मध्य संबंध को भी निर्धारित करता है। ये हमारे तीनों यहाँ पे सही होने वाले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं, संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किनकी परिलब्धियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। तो राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष का नेता। संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किनकी परिलब्धियों और विशेषाधिकारों से संबंधित नहीं है, हमें ये बताना है। तो इनमें से कौन है जो संविधान की दूसरी अनुसूची से संबंधित नहीं है, तो आपको बताना है इसमें। तो देखिए, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये संविधान की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है। दूसरी अनुसूची में शामिल लोग कौन कौन से हैं, भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होना चाहिए, राज्यों की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, केवल एक और तीन, क्योंकि प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता, इसका वर्णन इसमें नहीं किया गया है।
उसके बाद देखते हैं उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके या किनके उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है। तो यह मूल अधिकार की विधि की, ठीक है, राजकीय नीति निर्देशक तक ये तो अप्रवर्तनीय होते हैं और मूल कर्तव्य ये भी अपरिवर्तनीय होते हैं, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर अपना ये। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, शंकरी प्रसादवाद, केशवानंद भारतीवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना क्या, डी, केवल 1, 2 और 3, तीनों अपने क्या हो जाएंगे यहाँ पे सही हो जाएंगे, क्योंकि केशवानंद भारतीवाद मूल ढांचे के सिद्धांत बिल्कुल सही है, और केशवानंद भारतीवाद ये अपना कब स्थापित हुआ, 1973 में। उसके बाद जो शंकरी प्रसाद मामला है ये 1951 का है, संसद किसी भी मूल अधिकार को न्यून घोषित कर सकती है, न्यून कर सकती है। उसके बाद मिनर्वा मिल्स ये गोलकनाथ 1967, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मत संतुलन, मिनर्वा मिल्स को 1980, हाँ मिनर्वा मिल्स इसका 1951। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकार को प्रतिबंधित करने वाली विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद में निहित है। मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 1, क्योंकि सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकार को प्रतिबंधित करने वाली विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद में निहित है, और मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम अनुच्छेद 23, ठीक है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किस में आते हैं, अपने मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, तो इससे संबंधित कोई भी विधि निर्माण की जो शक्ति है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को, तो राज्य विधानमंडल को नहीं बिल्कुल संसद को प्राप्त है। आगे देखते हैं 38, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को संविधान द्वारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के तहत प्रत्याभूत किया गया है। तो अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार, अपनी भाषा लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 29 यह क्या कहता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक के लिए किसी भी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद देखते हैं क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी, क्योंकि बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार बिल्कुल है, भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है, अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन का भी अधिकार है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस हेतु आपात की उद्घोषणा वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, तो आपात की उद्घोषणा वाक्यांश का प्रयोग किया गया है किसके लिए, केवल राष्ट्रीय आपात के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, ये राष्ट्रीय आपातकाल 352 आपात की उद्घोषणा, उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन सा पद इस धारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है कि भारत के लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वे ही परिवार के सदस्य हैं, समता, अखंडता, समानता, बंधुत्व, इनमें से कौन सा शब्द है, तो इसमें से देखिए बंधुत्व ये क्या कह रहा है, ये व्यक्त कर रहा है किस बात के लिए कि भारत के लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। ऐसा विचार या ऐसा भाव कब आएगा, जब आपके अंदर बंधुत्व की भावना होगी, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बंधुत्व, फ्रेटर मिटी,
भाईचारे की भावना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मामलों में कौन सा अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्यभूत मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा? महिलाओं को एक नवीन सूचना तकनीकी कार्यालय खोलने से निषेध करना, या कुछ जातियों के लोगों को परंपरागत व्यवसाय करने हेतु बाध्य करना, सरकार के प्रशासन से संबंधित सामान्य सूचना प्रदान करने से मना करना। तो देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं, महिलाओं को एक नवीन सूचना तकनीकी कार्यालय खोलने से निषेध करना, ये बिल्कुल इसका उल्लंघन माना जाएगा। तो एक, कुछ जातियों के लोगों को परंपरागत व्यवसाय करने हेतु बाध्य करना, ये भी बिल्कुल गलत है। सरकार के प्रशासन से संबंधित सामान्य सूचना प्रदान करने से मना करना, तो देखिए ये तीनों मूल अधिकारों का, अपने फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। तो इन तीनों केवल में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो इनको, इन तीनों को क्या माना जाएगा? मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? D 1, 2 और 3। उसके बाद देखते हैं 42, दबाव समूह को एक राजनीतिक दल से पृथक करने वाली अनन्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दलों के पास राजनीतिक उद्देश्य होता है जबकि दबाव समूह राजनीतिक मुद्दे नहीं उठाते। उसके बाद दबाव समूहों के पास एक संगठनात्मक संरचना नहीं होती जबकि राजनीतिक दलों के पास संगठनात्मक संरचना होती है, और दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते जबकि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह लोगों को संगठित करने का प्रयास नहीं करते जबकि राजनीतिक दल लोगों को संगठित करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि दबाव समूह को एक राजनीतिक दल से पृथक करने वाली अनन्य विशेषताओं में से कौन सी शामिल है। तो दबाव समूह लोगों को संगठित करने का प्रयास नहीं करते जबकि राजनीतिक दल लोगों को संगठित करने का प्रयास करते हैं, ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। सॉरी, इसका जो राइट आंसर अपना होगा वो ये होगा, दबाव समूह द्वारा सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते जबकि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि होता क्या है कि दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जो कि सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, किंतु राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूह राजनीतिक सत्ता को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित या साझा करने का लक्ष्य नहीं रखना। किस प्रत्यक्ष रूप से? ठीक है, इन संगठनों का गठन तब होता है जब एक साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में सामान्य व्यवसाय या हित आकांक्षाओं या विचारों वाले लोग एकजुट होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, मतलब कि जो रॉन्ग हो जाएगा, जो कि पृथक करता है, वो क्या हो जाएगा? सी। प्रायः सुर्खियों में रहा एंथ्यूरियम पादप है, तो इसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या? ए, यह एक घरेलू पुष्पी पादप है जिसे निकटवर्ती परिवेश की वायु के शोधन और हानिकारक वायुजनित रसायनों को विस्थापित करने हेतु जाना जाता है। आगे देखते हैं, राज्य वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है। यह राज्य और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व के वितरण की समीक्षा करता है। आयोग के सदस्य राज्य सरकार के अधीन पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा केवल एक और केवल दो, क्योंकि आयोग के सदस्य राज्य सरकार के अधीन पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, ये कथन अपना क्या है? गलत है, क्योंकि आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति हेतु प्रतिबंधित नहीं है, अर्थात वो इसके पात्रित होते हैं। आगे देखते हैं क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, केवल एक और दो, क्योंकि तीन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत। उसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, संवैधानिक विशेषताओं के विभिन्न स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, स्रोत कनाडा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, ऑस्ट्रेलिया। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सोवियत संघ। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो है केवल एक और दो, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया
कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। उसके बाद देखते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो एक और दो तो राइट आंसर है, लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो कि उन आदर्शों को निर्दिष्ट करते हैं जिन्हें राज्य द्वारा नीतियों के निर्माण करने तथा विधियों की अधिनियमित करने समय ध्यान में रखा जाता है। तो ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए संवैधानिक निर्देश या अनुशंसाएं हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, ना कि यूएसएसआर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, कौन सा, केवल एक और दो। निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1919 के भाग थे? इसके तहत एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया। इसमें प्रथम बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव आरंभ किए। इसने दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली प्रारंभ करी। इसने प्रांतों में द्वैत शासन योजना प्रारंभ करी। तो देखिए इसमें जो कथन है, एक इसके तहत एक लोक सेवा आयोग की स्थापना, हाँ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ये हमारा राइट आंसर है। और इसके बाद देखते हैं अगला, इसने प्रथम बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव आरंभ कराए, बिल्कुल सही है। इसने दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, इसने दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली प्रारंभ करी। तो यहाँ पे देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया गया था, लेकिन इसने इसमें सिखों और भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों को इसमें पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था। तो इसलिए ये कथन अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दलित वर्गों की जगह क्या होना चाहिए, सिखों और भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय। तो इसने प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया, ये भी बिल्कुल सही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक दो और चार। हाल ही में सुर्खियों में रहा किस्सा खुवानी बाजार नरसंहार निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये संबंधित है किसी खुदाई खिदमतकार, 23 अप्रैल 2020 को इसकी 90वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह वर्ष 1921 में अंजुमन ए इस्लाह उल अफगान की 100वीं वर्षगांठ है, जिसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन का अग्रगामी माना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान यूपीएससी की सदस्य संख्या 2 को निर्दिष्ट करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें को निर्धारित करने हेतु संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया है। पद च्युति के तरीकों का आधार संविधान में विनिर्दिष्ट किया गया है। तो 48 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल 2 और 3। संविधान के आयोग की सदस्य संख्या को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तथा इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कथन, गलत। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। विशेषाधिकार रीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजी और सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध रीटें जारी की जा सकती हैं। उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार व्यापक होता है। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन सा कथन सही है या गलत है। तो इसमें देखिए दोनों कथन सही हैं, निजी और सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध रिटें जारी की जा सकती हैं। उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय को भी रिट का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता के अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई विदेशी राज्य भारत का भाग बनता है तो क्षेत्र के सभी निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना क्या, ना तो एक ना तो दो। ऐसा क्यों? तो इसमें देखिए केंद्र सरकार एक आवेदन करने पर किसी भी व्यक्ति को जो कि अवैध प्रवासी नहीं होने पर
यदि वह भारतीय मूल का व्यक्ति है तथा जो पंजीकरण हेतु आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में समान रूप से निवासी कर रहा है, वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है। इसलिए दोनों कथन सही यहाँ पे नहीं है। तो कथन एक, कथन दो, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। क्योंकि यदि कोई भी विदेशी क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो भारत सरकार उस राज्य क्षेत्र के लोगों को विनिर्दिष्ट करती है कि वे भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के व्यक्ति अधिसूचित तिथि से भारत के नागरिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब पांडिचेरी भारत का एक भाग बन गया तो भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता आदेश 1962 जारी किया।